हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बनाएंगे हम सूट में लेटेस्ट नेक डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सूट की कटिंग करके रखी है और यहाँ पर मैंने ये लेस ली है गोटा पत्ती वाली और यहाँ पर ये मैंने बटन्स लिए हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक बुकरम लेनी है। तो बुकरम को हमें इस तरह से पहले डबल रख लेना है और अब देखिए, यहाँ पर हमें गले की लंबाई में निशान लगाना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लंबाई रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाया है। मैंने गले की लंबाई 7 इंच रखी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लंबाई में निशान लगा लेना है और चौड़ाई में हमें यहाँ पर लगाना है 3 इंच पे निशान। मैंने गले की जो चौड़ाई रखी है वो टोटल 6 इंच रखी है। तो इस तरह से हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को हमें इस तरह से सीधा मिला देना है। मिलाते हुए हमें यहाँ पर एक गोलाई में इसको निशान लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसके साइड में लगाना है, करीबन हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर ये बराबर 1.25 इंच है। तो इस तरह से हमें पूरे में 1.25 इंच पे गोलाई में निशान लगा लेना है। इस तरह से इसको हमें इस तरह से नापते हुए पूरे में निशान लगा लेना है। और अब देखिए, यहाँ से हमें लंबाई में करीबन रखना है यहाँ से 15 इंच। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से देखिए, हमें चौड़ाई में लगाना है करीबन 1/2 इंच से एक सूत ज़्यादा। तो इसके हमें जो टोटल चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 1.25 इंच, जितनी हमने साइड में गले की रखी थी उतनी हमें इसकी रखनी है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच और एक सूत पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इसको हमें इस तरह से सीधा मिला देना है। इसको हमें इस तरह से मिलाने के बाद में यहाँ से इसको हमें तिरछा कर लेना है। और अब देखिए, यहाँ पर हमें इस मार्किंग के बराबर पूरे गले की हमें कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट करना, ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही डिज़ाइनर नेक डिज़ाइनर सिलाई की वीडियोज़ रोज़ लेके आता हूँ। और अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियोज़ कुछ भी सीखना है सिलाई के मामले में, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गले की कटिंग की है। तो इस तरह से कटिंग हुई है इसकी। और अब यहाँ पर हमें इसको कपड़े पे अटैच करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है और इसको हमें कपड़े पे अटैच कर लेना है। आप चाहो तो इसकी जगह बुकरम की जगह आप पेपर पेस्टिंग ले सकते हो और आप उसे भी इस तरह से कटिंग करके इसको आप प्रेस की सहायता से इसको चिपका सकते हो। आपको यहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है। तो इस तरह से हमें इसके बराबर में कटिंग कर लेनी है और इसके साइड में से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़े की हमें पूरे की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद में देखिए, यहाँ से हमें बीच में एक कट लगाना है छोटा सा। तो इस तरह से हमें कट लगाने के बाद में यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके यहाँ पर हमें एक बूट की बराबर में सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों, अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको अच्छे से डिज़ाइन बनाना आ जाए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको पूरे को अटैच कर लेना है। और अब देखिए, यहाँ पर हमें ये गोटा पत्ती वाली लेस लगानी। तो पहले तो हमें यहाँ पर इसको जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हमें खोल देना है, क्योंकि बाद में खोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अब यहाँ पर हमें गोटा पत्ती वाली लेस लगानी है। तो यहाँ पर हमें इस लेस को कुछ इस तरह से लगाना है। लेस को हमें इस तरह से लगाना है तो इसके हमें जो ये कंगारे हैं ओनली यही दिखने चाहिए बाहर की तरफ, बाकी लेस को हमें अंदर दबा देना है। तो इस तरह से करके हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते जाना है और पूरी लेस को हमें लगा देना है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियोस देखना है या आपको किसी भी टाइप की डिज़ाइन बनाना सीखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो सेंड कर सकती हो, मैं आपके लिए उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी का नाम जो शो हो रहा होगा, तो आप उस आईडी को इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ोटो सेंड कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पर पूरे में ये लेस लगा ली है। अब हमें यहाँ पर हमें इसको सूट में अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, सूट को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और गले को हमें इस तरह से दोनों को उल्टा रखना है।
तो इस तरह से पहले हमें यहाँ पर इसको एकदम बराबर में बीचों बीच रखना है सेंटर में। और सेंटर में रखने के बाद में यहाँ पर पहले एक हमें सिलाई लगा लेनी है बीच में। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर हिले ना और एकदम बीचों बीच सेंटर में अच्छी डिज़ाइन के साथ में बने। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगाई है। और अब यहाँ पर हमें एक बुकरम की जड़ में सिलाई लगाना है। तो दोस्तों ये सिलाई हमें बिल्कुल ध्यान से लगाना है, बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं चलाना बिल्कुल भी। बुकरम से हमें हल्का सा इसको दूर रखना है सिलाई को, और इस तरह से हमें करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैं यहाँ पर ये बुकरम की बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगा रहा हूँ, बुकरम से हल्का सा हमें इसको सिलाई को थोड़ा सा दूर रखना है बिल्कुल आधा सूत। और इस तरह से करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से देखिए हमें मार्जिन छोड़ देना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमें इसमें गोलाई में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। उसके बाद में गले को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में अच्छे से हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस सिलाई लगा ली है। और अब यहाँ पर हमें इसके साइड में एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इसको हमें टोटल कंप्लीट गले को अटैच कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ये जो ये डिज़ाइन है इसको हमें इस तरह से सेंटर में रखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले सेंटर का निशान लगा रखा है, तो उसी निशान के बराबर में इसको डिज़ाइन को लगाना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सूट को आपको इस तरह से डबल रखना है। और डबल रखने के बाद में ये करना है हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखिए मैंने गले को इस तरह से बनाया है। और यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे, आप अपने पसंद के हिसाब से कोई से भी बटन आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कितना सुंदर और कितना शानदार यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन बना है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।